ओ मज्ञानातिम्रन्दस्य ज्ञान जनशलाखया अक्षरों मिलितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा युथ प्रीचिंग करने वाले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं स्पेशली श्री सुंदर गोपाल प्रौल के साथ में जितने जी यूथ प्रीचर्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस फेस्टिवल को सफल बनाया है और वो भी गोवर्धन की तलेटी पे गिरिराज जी की शरण में तो गिरिरा जी निश्चित रूप से बड़े प्रसन्न होंगे देखकर कितने सारे भक्त आए हुए हैं और गिरिराजी बहुत कृपा करेंगे गिरिराज जी की शरण में आज से पाँच आठ साल पहले भी ब्रजवासी एकत्रित हुए थे भगवान कृष्ण ने जब गिरिराजी को धारण किया था तो आज भी हम सब उन्हीं की शरण में आए हैं और गिरिराज जी का ही प्रसाद मिलेगा आप सबको <laughs> तो बड़ा अच्छा टॉपिक है ये टेक्नोलॉजी जो आज का विषय है कि किस तरह इसका उपयोग और सदुपयोग या दुरुपयोग हो रहा है तो सदुपयोग तो हो ही रहा है उसमें कोई डाउट नहीं है और दुरुपयोग भी हो रहा है उसमें भी कोई डाउट नहीं है लेकिन हमें कोई बीच का रास्ता निकालना है क्योंकि हम भी उसका उपयोग कर रहे हैं नहीं यूटिलाइजेशन तो हो ही रहा है तो श्रील शिलाप्रभुपा जी कहते थे यूटिलिटी इज अ प्रिंसिपल उपयोगिता ही सिद्धांत है श्रील प्रभु जी उदाहरण देते थे अजागर वृत्ति अजागर वृत्ति का मतलब जानते हैं क्या होता है अजगर जो होता है वो लेटा रहता है देखने में लगता है बड़ा इनएक्टिव लगता है लेकिन उसके पास कोई भी आ जाएगा ना तो मुंह खोल लेगा और बस अंदर ही ले लेगा यानी कि देखने में लगता है वो कुछ नहीं कर रहा है लेकिन बहुत कुछ कर जाएगा अगर उसके पास जाएंगे तो तो अजागर वृत्ति का मतलब यह है कि मेहनत और कोई करता है लाभ कौन उठाते हैं भक्त उठाते हैं किस लिए उठाते हैं भक्त उसका लाभ उठाते हैं उसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए तो वास्तव में भक्त तो हो या अभक्त तो हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब कृष्ण की सेवा कर रहे हैं भगवान गीता में कह रहे हैं ना हम सर्वस्व प्रभो बता सर्वम प्रवर्तते आई एम दोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एंड स्पिरियल वर्ल्ड एवरीथिंग फ्रॉम मी ये आध्यात्मिक जगह और भौतिक जगह दोनों ही मुझसे उत्पन्न हुआ है तो ये टेक्नोलॉजी भी जैसे भी बताया महाराज ने भी कि टेक्नोलॉजी प्रभुपा जी ने कहा कि ये भी भगवान की उत्पत्ति है सब भगवान से ही आ रहा है इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो बहुते जगत में जो लगे वो हैं इनडायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहे हैं और जो भक्त जो हैं वो भगवान की डायरेक्टली सेवा कर रहे हैं तो वास्तव में टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा जरूर है निश्चित रूप से आज जिस पोडियम से मैं बोल रहा हूँ जिस साउंड सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी की देन है ये टी स्क्रीन जो यहाँ लगे हुए हैं जिसके माध्यम से बार बार आप देख रहे हैं बैक साइड पर भी देख रहे हैं मुझे तो ये सब तो टेक्नोलॉजी की देन है आपके पास जो फोन है उसमें बार बार आप मैसेजेस भेजते जा रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू आपकी नजर भी उसी में ही है नहीं और यूट्यूब में बाद में जब आप अपलोड करेंगे इस प्रोग्राम को तो पूरी दुनिया देखेगी वो भी टेक्नोलॉजी की देन है तो टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा है, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं है बहुत फायदा है बड़ी मेहनत की इन लोगों ने सो लाइक टू थैंक ऑल दी साइंटिस्ट एंड द टेक्नोलॉजिस्ट कि उन्होंने इतना बड़ा अनुपम भेंट दिया है इस अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ को तो इसलिए हम गिर्राजी से प्रार्थना करेंगे कि और भी टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स हमें देते जाएं ताकि हमारा कार्य जो है और आसान हो जाए शिला प्रभुपा जी कहते थे कि डिपोटीज क्या होते हैं दे आर लेजी इंटेलिजेंट लेजी इंटेलिजेंस का मतलब यही है कि लेट दे वर्क हार्ड उनको मेहनत करने दें उनको मौका देना है देखिए वास्तव में क्या होता है जो टेक्नोलॉजिकल इनपुट दे रहे हैं और जो फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं और आप भक्त जब उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो जानते हैं क्या होता है अनजाने में उनको अज्ञात सुकृति मिल जाती है भक्ति उनमुखी सुकृति जिस कंपनी ने ये टेलीविजन बनाया जिस कंपनी ने ये साउंड सिस्टम बनाया और जिस पंडाल वाले ने ये पंडाल लगाया और जिस सोफे में आप भक्त सब बैठे हुए हैं ये सब कृष्ण की सेवा में लग रहा है उन सबको सुकृति मिल रही है तो जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं जितने भी साइंटिस्ट हैं जो इनडायरेक्टली कृष्ण की सेवा कर रहे हैं आज नहीं तो कल वो भी इस पंडाल में आएंगे आपके साथ बैठेंगे फेस्टिवल में। इसलिए तो चिंता का कोई विषय नहीं है हम अपना कार्य कार्य करते जाएं, प्रचार का कार्य करते जाएं, उनके टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते जाएं ये भक्त ही उनके ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं उनके टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अगर हवाई जहाज ना बना होता तो शिला प्रभुपाद में नहीं गए होते क्योंकि जब उस हवाई में उस में गए हैं एयरलाइंस का उद्धार हो गया मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ श्रुत कीर्ति प्रभु बता रहे थे प्रभुपाद एक बार जा रहे थे कहीं इंटरनेशनल फ्लाइट पे और जैसी फ्लाइट में चढ़े तो श्रुत कीर्ति प्रभु ने मंदिर से लाए थे वो क्या कहते उसको मूडी लेके आए थे तो प्रभुपाल मूढ़ी खा रहे थे जैसे अभी आप कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो <laughs> मूडी खा रहे थे तो एरोस आए उन्होंने कहा कि स्वामी जी यू यू लाइक टू हैव कैन कैन आई ब्रिंग ब्रिंग समथिंग फॉर उन्होंने कहा सम हॉट मिल्क अब प्लेन में कुछ ना कुछ फैसिलिटी तो होता है इंटरनेशनल फ्लाइट में मिल जाता सब कुछ ये सब तो होता ही है तो वो गर्म गर्म दूध लेकर आए और दूध ला के शिला प्रभुपाल जी को दिया प्रभुपाली मूढ़ी खा रहे हैं उससे क्या किया जानते हैं उस एरोस ने एकदम से झपटा मारा और मूड़ी लेकर शीला प्रभुपाजी का महा महाप्रसाद लेकर मुंह में डाल लिया वो एरोस्टस ने तो दिस हवाई जहाज में वो एरोस्टस जा रहे थे उसको शीला प्रभुपाजी का महा महाप्रसाद मिल गया कुछ वर्षों के बाद जहाँ वो रह रही थी वहाँ भक्त पहुँचे थे ग्रंथ लेकर और ग्रंथ लेके जब वहाँ पहुँचे नॉक उस घर में वही लेडी जो एरोस्टस थी माथे पे उसके तिलक था उसके घर में ऑल्टर था मंदिर था और वो भक्त बन चुके थे उसके हाथ में जपमाला थी उससे पूछा कि आप इस एरिया में इस रिमोट एरिया में आप कैसे भक्त बने उन्होंने कहा कि जानते हैं शिला प्रभुपाद इस कौन के फाउंडर आचार्य उनका मुझे महा महाप्रसाद मिला था मैं उस एयरलाइन में एयर होस्टर्स थी तो कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी प्लेन्स बन रहे हैं एयरोन्स बन रहे हैं एयरलाइंस में शिलप प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स अभी जैसे गुरु प्रसाद महाराज जाएंगे वापस अभी तो जीबीसी मीटिंग के लिए आए हैं इसके बाद वापस अमेरिका जाएंगे ये सब फ्लाइट में आए ना तो जितने एयरलाइंस है जिसमें भक्त ट्रेवल कर रहे हैं उन सब एयरलाइंस का उद्धार कर रहे हैं शिला प्रोपा जी के शिष्य और उनके आने वाले भक्त भी इसलिए टेक्नोलॉजी जो बनाए जा रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इनपुट जो दिए जा रहे हैं हम उनको धन्यवाद देते हैं हमारा कार्य और आसान कर दिया उन्होंने हमारा प्रचार जो है स्पीडअप हो गया और हम उनको भी लाभ पहुंचा रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी ही उनको कृष्ण भक्ति मिलने वाली है वो भी यहीं पे आने वाले हैं चिंता मत करिए आप ये डिबेट खत्म हो जाएगा जो उस साइड में चैलेंज कर रहे थे टेक्नोलॉजी को लेकर वो सब इस साइड में आने वाले हैं कुछ समय के बाद क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद प्रसाद वो भी पाने वाले हैं तो एंटी टेक्नोलॉजी हो या फॉर टेक्नोलॉजी हो इन फेवर ऑफ टेक्नोलॉजी हो दोनों प्रसाद तो यही पंडाल में पहने वाले हैं दोनों ही भक्त बन जाएंगे भविष्य में फिर डिबेट अपने आप खत्म हो जाएगा तो इसलिए और ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी था ही नहीं अभी हम लोग पिछले वर्ष रामेश्वरम गए थे उसके बाद फिर श्रीरंगम गए थे और श्रीरंगा में श्री संप्रदाय का हेडक्वार्टर है एक एकड़ में वो टेम्पल बना है आज से तीन वर्ष पुराना क्या उसकी दीवारें हैं क्या उसकी मजबूत दीवारें हैं आज नहीं बन सकता ऐसे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता आज के कंस्ट्रक्शन में दस बीस साल में सीपेज होने लगता है उसमें से कुछ ना कुछ गिरने लगता है खासकर जो इंडिया में बिल्डिंग्स बन रही हैं पहले से बहुत कच्ची कच्ची बिल्डिंग है और अगर आप देखें ब्रिटिश जमाने की जो कंस्ट्रक्शन है वो आज भी खड़ी हुई है राष्ट्रपति भवन आज भी खड़ा हुआ है ये पुराने जमाने का कंस्ट्रक्शन है ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी नहीं थी आप जाए जानते ताजमहल जब बन रहा था एक लेबर वो मसाला डाल रहा था दीवार में मार्बल लगाना था ना तो मसाला बना रहा था वो तो उसका जो ठेकेदार था उसने खूब डांटा उसको वो ठीक से नहीं लगा रहा होगा शायद उसको बहुत गालियाँ दी उसको बहुत डांटा उस लेबर को बड़ा गुस्सा आया उसने हाथ में मसाला लिया होता क्या कहते हैं उसको वो हाथ में मसाला लिया और जोर से फेंका उसने ठेकेदार के ऊपर और ठेकेदार के ऊपर तो नहीं लगा वो दीवार में जाके चिपक गया और वो मसाला आज भी मौजूद है जो ताजमहल बना रहे थे उस समय का मसाला वो दीवार में आज भी चिपका हुआ नहीं गिरा वो नहीं निकला अभी तक तो इस तरह की टेक्नोलॉजी होती थी कि हाथी के ऊपर बड़े बड़े पत्थर छिलाए रखकर जो है पहाड़ों के ऊपर किले बनाए जाते थे आज पहाड़ों के ऊपर ऐसा किला बना के दिखा दो आप जिस तरह से लाल किला है ना आप जाइए जयपुर में जाए अम्बेर पैलेस देखिए आप पहाड़ के ऊपर कैसा किला बनाया हुआ है तो उस समय की टेक्नोलॉजी जो है हमसे हजारों गुना ज्यादा एडवांस्ड है बुरा मत मानेगा आज हम हाँ पत्तल में खाते हैं या थर्मोकल प्लेट्स में खाते हैं महाराज यज्ञ कराया तो उसमें जितने लोगों ने प्रसाद पाया था वो सब सोने की थाली में खाया था उस समय गोल्डन प्लेट्स हुआ करते थे हमारे भारतवर्ष में आज से पचास साल पहले अगर आप देखें सौ साल पहले के लीजिए पचास साल पहले के इस हमारे भारत में जो एक्सचेंज था करेंसी का वो गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन एक्सचेंज करते हैं तो ये कौन सा एडवांस तो की चीजें आप यूटिलाइज कर रहे हैं आज आपको दूध मिल रहा है पैकेट में उस समय आपको देसी गाय का होता था दूध आज आपको जो सब्जियां मिल रही हैं फल मिल रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर्स है केमिकल्स हैं यूरिया है यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है क्यों उससे क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा कहते हैं लेकिन आप जानते क्या हो रहा है पहले इस भारत में पांच लाख गांव थे अब केवल सवा लाख डेढ़ लाख गांव रह गए हैं बाकी गांव सारे लुप्त हो गए हैं वो सारे किसान गांव गए हैं वो सब चले गए शहरों में इमारतें बनाने के लिए फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए मुंबई शहर की 55 परसेंट आबादी जो है वो कहां रहती जानते है जानते हैं स्लम्स में रहती है मुंबई की 55% परसेंट आबादी कहां रहती है स्लम्स में और स्लम्स में कौन रहते हैं जानते हैं वो वही किसान रहते हैं जो खेत छोड़कर अपनी जमीन बेचकर या जमीन किसी को देकर शहर आ गए थे मजदूरी करने के लिए यह सोचकर कि शहर में वो बहुत पैसा कमाएंगे लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं तो यह जो हमारा देश हुआ करता था वास्तव में ये सोने की चिड़िया होती थी और जो यहां का जो वेल्थ था की जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी थी उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की की बात कर रहे हैं, या की बात कर 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 रहे रहे हैं हैं या ए के सोच कर बड़े गर्वित हो रहे हैं जो वेपन्स वे पांच हजार साल पहले होते थे महाभारत के युद्ध में उसकी तो आप कल्पना भी कर सकते अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उससे केवल रक्षा दिए किसने भगवान श्री कृष्ण ने ही परीक्षित महाराज को माता उत्तरा के घर में भगवान कृष्ण ने उससे रक्षा करी ब्रह्मार्स से नहीं तो से रक्षा करना किसी का वो असंभव कार्य है इतना पावरफुल होता है पशुपास्त्र उससे ज्यादा पावरफुल होता है ऐसे ऐसे एक अस्त्र है एक एक धनुष में एक एक बाण में जो है इतनी ताकत होती थी इतना पावर होता था उस सब अस्त्र शस्त्रों का वर्णन हमारे शास्त्रों में पढ़ के देखिए वो होती थी टेक्नोलॉजी जो मंत्र से चलती थी मंत्र से प्लेन चलते थे मंत्र चालित जो होते थे प्लेन्स होते थे आज कौन सा जो है प्लेन आपका मंत्र चालित है आप तो फ्यूल पे डिपेंड कर रहे हैं और फ्यूल कहां से आ रहे जानते हैं आप वो समुद्र की गहराई से आ रहा है जो फ्यूल मिलता है ऑयल रिफाइनरी है ना मुंबई में एक हमारे ही मेंबर है जो ऑयल एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग की कंपनी है उनकी वो बता रहे थे कि फ्यूल कैसे मिलता है समुद्र की गहराई में पच्चीस हजार से लेकर 30 फुट तक जाना पड़ता है गहराई में तब जाके कुछ फ्यूल की उम्मीद कर पाते हैं अगर वहां से आना बंद हो जाए जितनी गाड़ियां आपकी चल रही हैं यहां पर दिल्ली में बॉम्बे में कलकत्ता में वो सबका सब, सब बंद हो जाएगा हम पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं फ्यूल भी आपको ही दे रहे हैं हवा भी आपको भगवान दे रहे हैं पानी भी आपको ही दे रहे हैं सब कुछ आपको भगवान से प्रकृति से मिल रहा है कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं भैया थोड़ा सा मैनुपुलेशन आपने कर दिया तो इतना गर्व हो रहा है यह तो भक्त आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं आपकी टेक्नोलॉजी को कृष्ण की सेवा में यूज करके क्योंकि वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो जो टेक्नोलॉजिकल इनपुट हमें दे रहे हैं वो भी जल्द जो है कृष्ण की सेवा में लगने वाले हैं तो हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है हमारी दुश्मनी जो है वो किसी से नहीं है हम तो सबके सुहृद हैं भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूतान इसलिए जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो किया भी जा रहा है अगर देखा जाए एक्सटर्नली तो उसका यूटिलाइजेशन हम लोग करना चाहेंगे कृषि कर की सेवा में ये तो बहुत ही अच्छा हो गया व्हाट्सएप का जमाना है क्या मैसेजेस पास ऑन होते हैं ये जो इकट्ठे हुए हैं इतने सारे आपके युवा भक्त ये टेक्नोलॉजिकल जो इनपुट है इससे स्पीडअप हो गया सब कुछ नहीं पहले लैंडलाइन फोन होता और इतने सारे युवाओं को इकट्ठा करना होता तो बहुत माता बच्ची थी कहाँ कहाँ ढूंढते रहते लैंडलाइन फ़ोन में वो लड़का मिलता नहीं मिलता बेस में फोन होता ही नहीं होता है पता नहीं कहाँ ढूंढेंगे उसके बाद जाओगे उससे मिलोगे तब उसको इनवाइट करोगे तब तक तो वो निकल चुका होगा आ तो भैया बाथरूम में भी बैठा है कोई तो वहीं फ़ोन आ जाएगा प्रभु जी यूथ फेस्टिवल पहुंचना है आपको जल्दी आइए गोवर्धन में तो फायदा तो बहुत है हम लोग उसका पूरा लाभ भी उठा रहे हैं और एकत्रित करने का इसलिए क्या है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे संकीर्तन को सफल बना रही है संकीर्तन का मतलब है जब सब मिलकर सामूहिक रूप में कीर्तन करते हैं यानी सबको एक साथ इकट्ठा करने के लिए एक टेक्नोलॉजी क्या करेगी बहुत तेजी से कार्य करेगी उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे तो इसलिए तो इसलिए बहुत समझना बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हमें करना है और दूसरी बात है कि युवा पीढ़ी जो है वो और पथ भ्रष्ट हो रही है उसका कारण केवल क्या है कि, कि बेसिकली क्या है जो कल्चरल और जो वैल्यूज के जो इनपुट हैं वो आज दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं बच्चों को जो संस्कार मिलने चाहिए स्कूल्स में कॉलेज में वो नहीं मिल रहे हैं इसलिए यूथ प्रीचिंग कॉलेज प्रीचिंग यूनिवर्सिटी प्रीचिंग ये बहुत जरूरी है आज देखिए बुरा माने ड्रग एडिशन इतना बढ़ गया है कि आज देखिए कम से कम हमें पता चला जहां तक सूचना मिली है कम से कम दो तो हजार करोड़ रुपए तक की स्मगलिंग हो रही है ड्रग्स की इंडिया के अंदर युवा पीढ़ियों को निरुत्साहित करने के लिए उनको गलत दिशा दिखाने के लिए पंजाब में करीब थ्री फोर सेवेंटी फाइव परसेंट जो हैं ड्रग्स ले रहे हैं हॉस्टल्स में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में हमें तो याद है कि नाइनटीन लेट एटीस लेट एटीस कह लीजिए दूरदर्शन में उस समय आया करता था कि इंडिया के सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्ट जानते कहाँ पर है? दिल्ली में थे उस समय दिल्ली नंबर वन में था और वो भी कहाँ पे जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इतने ड्रग भरे हैं तो हमारी आधुनिक शिक्षा जो है हमें क्या कर रही है विद्यार्थियों को क्या कर रही है ड्रग एडिक्ट बना रही है क्यों बना रही है क्योंकि उनको को कोई कल्चरल इनपुट मिल नहीं रहा है टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो एक इंडस्ट्रीज ने मैं बताया गुड़गांव में वो बोलते मेरा बेटा जो है बहुत रात को 11 11 बजे तक नेटफ्लिक्स में लगा रहता है हमारे गेस्ट आए थे मैंने कहा बेटा अंकल से मिल लो थोड़ी देर के लिए आ जाओ बाहर बोलता नहीं पापा अभी मेरी मूवी खत्म नहीं हुई है नेटफ्लिक्स में लगा हुआ हूँ मैं वो ग्यारह बजे तक मूवी देखता है डेली और एक दिन पिताजी को कहना पड़ा बेटा ऐसा देखो ऐसा है कि अगर पीना है तो सिगरेट ही पी लो लेकिन ड्रग्स मत लेना ये फादर को कहना पड़ रहा है उन्होंने बताया हमें कि हम अपने बेटे को मुझे कहना पड़ा ये बेटा पीना ही है तो सिगरेट पी लो ड्रग्स मतलब तो इस हालत में पहुंच गए ये हालत हो गई हमारी जहां पे अपने कल्चर को नहीं दे पा रहे संस्कार को नहीं दे पा रहे बचपन से लोग क्या कर रहे हैं ड्रग्स ले रहे हैं कितने बड़ी दुखी बात है कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग तो इसलिए हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग प्रचार को बढ़ाएं और प्रचार करके जितने लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं उन सबको कृष्ण की सेवा में लगाएं और जैसे जैसे लोगों को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे सुकृति उनको मिलेगी अनजाने में वो लोग क्या है भक्ति की सुकृति वो लोग प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे सब लोग कृष्ण भक्त बनेंगे इसलिए हमें कोई चिंता का विषय नहीं है कोई टेंशन नहीं है आप बड़े से बड़े यूथ फेस्टिवल करते जाइए और जितने कंपनीज हैं उनके गैजेट्स आप यूटिलाइज करते जाइए ये स्क्रीन यूटिलाइज करिए ये फोन यूटिलाइज करिए पंडाल यूटिलाइज करिए स्टेडियम यूटिलाइज करिए अब एक नोएडा में भी हो रहा है एक यूथ फेस्टिवल हो रहा है क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है तो क्रिकेट स्टेडियम को यूटिलाइज किया जाएगा यूथ फेस्टिवल के लिए तो वो भी स्परिचुअलाइज हो जाएगा तो इस तरह से कोई टेंशन नहीं है अपने को प्रचार इतनी बढ़िया चीज है शिलभ रोहपात ने ऐसा सिखाया है कि, कि किसी भी चीज को रिजेक्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं है उसको तो केवल कृष्ण की के सेवा में क्या करना है आपको यूटिलाइज कर रहा है तो शिला प्रभुपाद जी अभी पूछा था एक बाहर ने एक बात बताई थी कि वास्तव में अगर सबके सबके पास प्रभुपाद की बुक्स पहुंच गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसी तरह से प्रभुपाल से एक बार और पूछा था किसी ने उनसे पूछा कि प्रभुपाल अगर सब कृष्ण भक्त बन गए संसार में तो ये संसार कैसे चलेगा हाउ दिस वर्ल्ड रन अगर सब कृष्ण भक्त बन गए तो ये संसार कैसे चलेगा प्रभुपाल ने कहा तुम्हारे जैसे मूर्ख हमेशा रहेंगे जो कृष्ण भक्ति को नहीं अपनाएंगे तुम्हारे जैसे मूर्ख जो हैं हमेशा रहेंगे संसार में जो कृष्ण भक्त, तो चे, भक्त नहीं बनना चाहेंगे तो उसका उसकी चिंता ना करिए आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो कृष्ण भक्त नहीं बनना चाहेंगे हमें तो क्या करना है हमें तो केवल वही करना है जो जिसलिए प्रभुपाल ने बताया है प्रभुपाल से पूछा था लंडन में किसी ने कि प्रभुपाल भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश नर्क में क्यों नहीं दिया प्रभुपाल ने कहा यह नर्क ही तो है ये लंडन नर की तो है जहां प्रचार कर रहे हैं और कहां दे गीता का संदेश यहां दे तो रहे हैं लंडन में तो नरक में भी जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी तो वहां भी, भी, चले जाएंगे तो इसलिए भक्त जो है वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है कृष्ण भावना भावना मृत का प्रचार करने के लिए ये भगवत संदेश देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है शीला प्रभुपा जी इसलिए अमेरिका गए उनके पास क्या है टेक्नोलॉजी उनके पास कैपिटल था इसलिए प्रभुपा ने कहा इंडिया अमेरिका जब जॉइंट वेंचर करेगा तो पूरे भर में इसका प्रचार प्रसार होगा और आज इसलिए हम देखते हैं कि पूरे विश्व में प्रचार होगा प्रभुपाद ने ही कहा कि मैं तो वृक्ष के नीचे रह सकता हूं लेकिन कौन आएगा और प्रभुपाद कहते थे कलयुग में जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी इमारतों से अट्रैक्ट होते हैं तो टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या करेंगे हम लोग बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे और उन बड़े बड़े मंदिरों में जब लोग आएंगे देखने के लिए अरे बड़े बड़े मंदिर हैं बड़ी बड़ी इमारतें हैं इसमें है क्या चल के देखो तो सही अंदर जब आएंगे तो क्या सुनेंगे वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो इस तरह से बड़ी बड़ी इमारतों को देख कर यानी कि मंदिरों को देख लोग प्रभावित होंगे लोग आएंगे इकट्ठे होंगे एकत्रित होंगे तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो हैं ये कि नहीं तो क्या होगा आज देखिए स्मार्टफोन की बात की आप जानते हैं इंडिया में सिक्सटी परसेंट जो है यूथ पॉपुलेशन है और उसमें एटी टू परसेंट जो बच्चे हैं वो मोबाइल फोन से एडिक्टेड है बयासी परसेंट एक दो परसेंट नहीं बयासी परसेंट बयासी परसेंट ऐसे युवा पीढ़ी है जिनको एक्सपोजर हो गया है कि संसार में क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ दो तीन इंसिडेंट्स बताता हूँ किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है उसका एडवर्स इफेक्ट किया है स्कूल के बच्चे जा रहे हैं बस में और टीचर बैठी हुई है और पीछे जो है कोविड है लड़का लड़की सब बैठे हुए हुई बॉयज़ गर्ल्स बैठे हुए हैं और पीछे जो क्या चल रहा है एक लड़का और लड़की एक ही सीट में बैठे और फ्री मिक्सिंग चल रहा है तो टीचर ने उसको डांट दिया उस लड़के को डांट दिया तुम बड़े बदतमीज हो बड़े बदमाश हो या तुम बस में बैठ के ऐसी हरकतें करते हो तो मैं मैं रिस्टिकेट करती हूँ सस्पेंड कर दिया तो मैं स्कूल से बस उस लड़के ने जाके अपने पिताजी को बता दिया पिताजी जो है स्कूल के ट्रस्टी थे डोनर थे मेजर डोनर थे उन्होंने प्रिंसिपल को फोन किया प्रिंसिपल को ऐसी धमकी दी कि उस टीचर को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए नहीं तो इसके लिए बड़ा सीरियस एक्शन होगा तो प्रिंसिपल बेचारा घबरा गया वो टीचर बेचारी घबरा गई और लड़का वैसे के वैसे रह गया उसके सुधरने का कोई होप ही नहीं रहा एक न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन पोस्ट में एक घटना बताता हूं आपको मैं वॉशिंगटन पोस्ट में क्या हुआ एक स्टोरी आई थी एक घर में एक लड़का उसके पैरेंट पारें, के पेरेंट्स डेली झगड़ा करते थे डेली लड़के ने जो है फैसला कर लिया अगली बार इन्होंने झगड़ा किया तो गोली चलेगी बंदूक ले आया वो किसी एक घर में गया था अपने फ्रेंड के घर पर गया था वहां मूवी देख ली वायलेंस का सीन देख लिया और उसके फ्रेंड के पास बंदूक थी बंदूक आसानी से मिल जाती है अमेरिका में अपने फ्रेंड से बंदूक ले आया वो और एक दिन जो है उसके पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं कहा झगड़ा कर रहे थे बालकनी में बालकनी के बिल्कुल पास फ्लैट में बालकनी होती ना बालकनी में झगड़ा कर रहे थे बड़ा भयानक झगड़ा शुरू हो गया लड़के को बड़ी खुंदक आई अलमारी से उसने रिवॉल्वर निकाला और उसने ट्रिगर दबा दिया पहली बार उसने गोली चलाई थी पहली बार बंदूक चलाया था उसने गोली तो उनके पेरेंट्स पर लगी नहीं उसी समय जानते क्या हुआ टॉप फ्लोर से एक व्यक्ति जो है छलांग मार रहा था सुसाइड कर रहा था और गोली क्योंकि चली हवा में ही वो मर गया नीचे पहुंचा ही नहीं पहुंचा लेकिन मरने के बाद कोर्ट केस हुआ अब जज बड़ा परेशान हो गया जज बड़ा कंफ्यूज हो गया उसने सोचा जन ने कहा भाई ये मर्डर का केस है या सुसाइड का केस है समझ में नहीं आ रहा है लेकिन क्योंकि बच्चे के द्वारा हुआ था तो ज्यूबनाइल क्राइम था ज्यूनाइल क्राइम मतलब ज्यूनाइल केसेस होते हैं उनके लिए अलग ही जेल होता है

उसने भी छलांग मारी और सीधा वो लड़के के ऊपर आगे गिरी दोनों ट्रक के सामने आए दोनों सामने सामने ट्रक के सामने आए दोनों की मृत्यु हो गई तो ये चमत्कार होता है तो कहने का मतलब ये है कि <laughs> कल्चर जब नहीं होता है कल्चर वैल्यूज जब नहीं होते हैं तो आप क्या करोगे ये जो आप देख रहे हो मूवीज में देख रहे हो इनका इम्पैक्ट होता है देखिए क्या होता है जब बच्चे जब देखते हैं मूवीज देखते हैं उसमें फाइलेंस देखते हैं उसमें रेप का सीन देखते हैं तो जो भी हम देखते हैं ना उसके संस्कार हमारे क्या जाते हैं जाते हैं अगर आप सबने बचपन में भगवत गीता के श्लोक बोले होते वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया होता प्रातः काल मंगल आरती में आए होते और साथ में टेक्नोलॉजिकल इनपुट मिला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी प्रॉब्लम क्या आ गई है कि अगर टेक्नोलॉजिकल इनपुट मिला है वो संस्कार आपको नहीं मिले बचपन से अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप भक्ति में आ तो गए हैं लेकिन जो बचपन के संस्कार है ना वो बड़े 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 गंभीरता से अंदर फंसे हुए हैं इसलिए क्या वो निकालने में बड़ा टाइम लग रहा है जैसे प्रभुपात कहते हैं ना दो लोग पहुंचे एक म्यूजिक म्यूजिक टीचर के के सीखने लिए तो एक स्टूडेंट था उसको टीचर ने कहा कि भैया देखो महीने का आपको दो हजार रुपया देना पड़ेगा दूसरा स्टूडेंट आया तो दूसरे स्टूडेंट को म्यूजिक टीचर ने कहा आपको सिर्फ दो सौ रुपए देने पड़े तो दो सौ रुपए जिसको देने पड़े दो हजार रुपए जिसको देने पड़े उसने कहा सर ये क्या मतलब अन्याय है उस लड़के से आप दो सौ रुपया मांग रहे हैं और हमसे आप दो हजार रुपये मांग रहे हैं तो तो ये तो अच्छी बात नहीं आप चीटिंग कर रहे हैं तो टीचर ने कहा जानते क्यों आपसे मैं दो हजार क्यों ले रहा हूं क्योंकि आपने ना बहुत कुछ सीख लिया है उसको पहले साफ करना पड़ेगा मुझे और ये जो लड़का है ना दूसरा इसका दिमाग बिल्कुल खाली है ये जल्दी सीख जाएगा म्यूजिक तो इसी तरह से क्या है कि हमने बचपन में इतने संस्कार हमारे अंदर आ गए हैं इतनी सारी मूवीज देख लिए हैं इतने सारे जो हैं क्या बताएं आपको क्या क्या हमने देख लिया है अब उसके बाद हम लोग तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा कि नहीं लगेगा फिर हमारे बगलो पूछते प्रभु जी चैंटिंग ठीक से नहीं हो रहा है मन बड़ा भटकता है भटकेगा ही मन भटके क्यों नहीं भटकेगा क्योंकि बचपन से हमने जो है इतना कुछ देख लिया है उन स्कूल में कॉलेज में जाके उन फोन्स को यूटिलाइज करके जिसको मिसयूज किया गया उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है लेकिन वही आपके स्कूल्स में कॉलेजेस में प्रसाद महाराज की तरह को मारा प्राग यो धर्मान भागवता की अवस्था से अगर आपको भागवत धर्म दिया होता हर स्कूल और कॉलेज में भगवत गीता पढ़ाई होती रामायण महाभारत से कथा सुनाई दी होती यही था हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में यही तो था हमारे स्कूल्स में कॉलेजेस में भगवत गीता महाभारत रामायण पढ़ाई जाती थी और यही कहा गया कि अगर आप इस देश का विभाजन करना चाहते हैं तो स्कूल से सबसे पहले आप महाभारत गीता भगवत गीता रामायण को हटाइए क्योंकि इसी के कारण जो है ये भारतीय पिछड़े हैं ये हमारे कल्चर को हमारे तौर तरीकों के इसलिए नहीं अपना रहे हैं क्योंकि क्या कर रहे हैं बचपन से भगवत गीता पढ़ रहे हैं बचपन से रामायण पढ़ रहे हैं इसलिए इनकी धार्मिकता इनकी आस्था जो संस्कृति में है वो नहीं जा रही है इसलिए बचपन से इनको बनाया जाए नास्तिक और बताया जाए कि भगवान का अस्तित्व तो नहीं है आप जानते हैं न्यूयॉर्क में क्या हुआ था न्यूयॉर्क में दो टावर क्या बिल्डिंग है एक्सप्लोशन हो गया बिल्डिंग नीचे गिर गई हजारों लोग मारे गए उसमें एक क्रिश्चियन प्रीस से एक न्यूज रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा उन्होंने कहा हमारी करेंसी में लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट क्रिश्चन मिश्र ने कहा वो बात सही है आपकी करेंसी में लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट बट डू यू नो हु इज गॉड क्या आप जानते हैं भगवान कौन है आप कहते हो भगवान में ट्रस्ट करो फिर उन्होंने कहा कि हम हां लिखा तो है ना इन गॉड वी ट्रस्ट लेकिन ये क्या ये दो इमारतें गिर गई कहां थे आपके भगवान उन्होंने हमारी सहायता क्यों नहीं की तो कृष्ण मृष ने कहा कृष्ण प्रश्न बड़ा उत्तर दिया उसने कहा जब आपने स्कूल और कॉलेज के सिलेबस से बाइबल को हटा दिया उस समय आपको भगवान याद नहीं आए आज ये दो इमारतें गिर गई तब आप पूछ रहे हैं कि भगवान ने हमें क्यों नहीं बचाया आप समझ इस बात को तो इसलिए क्या है बहुत जरूरी है इस बात को समझना ये जो वैल्यूज हैं जो कल्चरल वैल्यूज हैं देखिए जब रामायण कोई पढ़ता है बार बार रामायण कोई कोई पढ़ेगा भगवान श्री राम की कथा को पढ़ेगा और उसको पढ़ पढ़कर क्या टेक्नोलॉजी थे देखिए भगवान राम की लीला में ऐसे राम राम लीला में जो टेक्नोलॉजी आज क्या होगी बताइए बड़ी बड़ी शिलाओं को चट्टानों को समुद्र में तैरा दिया केवल उसमें राम नाम लेकर तैरा के दिखाई ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास बताइए क्या आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि भगवान कृष्ण की तरह इतने बड़े बड़े जो ब्रह्मांड हैं इतने बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं स्पेस में फ्लोट करा दिया भगवान ने ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास है भगवान कृष्ण ने अपने हाथ के छोटे उंगल से गिरिराज जी को धारण कर लिया सात साल की उम्र में आप करके दिखाओ कोई टेक्नोलॉजी आपके पास है आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आपका फेल हो गया जब भगवान राम का केवल नाम लिखा गया और वो शिलाएं जो है समुद्र में तैरने लगी आप सुन रहे बात को तो ये तो ठाकुर जी की कृपा है किसी किसी ना किसी हमें सेवा का मौका दे रहे हैं डायरेक्टली या है, इनडायरेक्टली हनुमान जी से पूछा जब देखा कि भाई गिलेरी जो है छोटे छोटे कण उठा रही है और हनुमान जी बड़े बड़े शिलाएं उठा रहे हैं तो गिलेरी को देखकर कर हंस दिया हनुमान जी राम ने देख लिया कि यह तो अच्छी बात नहीं है उनका हनुमान गिलेरी को देखकर हंस रहे हो लेकिन तुम्हें पता है कि हम ये फूल क्यों बना रहे हैं तो हनुमान जी ने कहा कि हम पुल इसलिए बना रहे हैं प्रभु कि हम लोग समुद्र पार करके जाएं। उन्होंने कहा कि समुद्र पार करने के लिए पुल बनाने की आवश्यकता नहीं है अभी एक बाण छोड़ता पूरा समुद्र सुखा दूंगा मैं तो उन्हें कहा कि प्रभु फिर हम लोग क्यों बना रहे हैं फूल तो हनुमान जी से पूछा कि आप बताओ उन्होंने कहा कि प्रभु हम इसलिए बना रहे हैं कि समुद्र पार करें और रावण का वध करें और सीता मैया को वापस लेके आए उन्होंने कहा इसकी भी जरूरत नहीं है मैं तो सबके हृदय में बैठा हूँ यहीं से स्विच ऑफ कर दूंगा और रावण के हृदय में भी बैठा हूं मैं यहीं से स्विच ऑफ कर दूंगा उसी समय खत्म हो जाएगा बताइए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है क्या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है किसी के पास बिना ए के फोर्टी सेवन के बिना न्यूक्लियर बॉम्ब के ठाकुर जी जो है समुद्र के इस पार खड़े यहां से स्विच ऑफ करेंगे रावण का वहीं वध हो जाएगा तो ये टेक्नोलॉजी फिर हनुमान जी ने पूछा लेकिन प्रभु फिर हमें ये क्यों करना पड़ रहा है ये सब हमें भगवान कहते हैं ये तो मैं आप सबको सेवा का मौका दे रहा हूं तो असली टेक्नोलॉजी तो ठाकुर जी के पास है अगर वो चाहे तो भैया कुछ भी हो सकता है कोई भी असंभव कार्य क्या हो सकता है संभव हो सकता है इसलिए अर्जुन से पूछा भगवान कृष्ण ने महाभारत के अंत में अर्जुन ने कहा अर्जुन ने पूछा कृष्ण से हे कृष्ण हे प्रभु एक बात बताइए मैं कैसे सचू कि सब आपने ही किया है मैंने इतने बाढ़ छोड़े इतने शस्त्र अस्त्र छोड़े ऐसा तो लग रहा है कि मैंने सब कुछ किया है कैसे समझू कि आपने सब कुछ किया है तो जानते भगवान ने क्या बोला कृष्ण ने क्या बोला उन्होंने कहा देखो हनुमान जी को देखा पताका में नहीं है वो पताका छोड़ के चले गए क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया है हनुमान जी का रोल हो गया पूरा वो आए थे आशीर्वाद देने के लिए अब अर्जुन तुम भी उतर जाओ रथ से अर्जुन ने कहा नहीं नहीं प्रभु पहले आप उतरे नहीं पहले तुम उतरो अर्जुन अर्जुन रथ से उतरे हनुमान जी पताका छोड़ के चले गए हैं कृष्ण ने कहा कि मैं अब रथ से नीचे उतरता हूँ जैसे ही कृष्ण रथ से नीचे उतर जानते हैं कि अब रथ में विस्फोट हुआ एक्सप्लोशन हो गया उन्होंने कहा जानते हैं क्या है ये द्रोणाचार्य भीष्म पितामा जो बाण चला रहे थे साधारण बाण नहीं थे ये न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं थे एक के फोर्टीजन से कम नहीं थे ये बाण इतने सारे बाण जो तुम्हारे ऊपर छोड़े गए अगर मैं नहीं होता और हनुमान जी नहीं होते जो इस रथ के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ होता इसलिए शिल प्रोपाजी ने कहा कि विश्व में अरे वॉर नहीं हो रहा है ये युद्ध नहीं हो रहा है वो किस कारण से नहीं हो रहा है क्योंकि आज पृथ्वी में इस कौन के माध्यम से पूरे पृथ्वी में संकीर्तन हो रहा है यह है असली टेक्नोलॉजी जो संजय ने कहा गीता के अंत में जहां पर धरूर अर्जुन है और योगेश्वर कृष्ण है वह विजय है वह नीति है वह ऐश्वर्य है वह अलौकिक शक्ति है यही है टेक्नोलॉजी कि आप कृष्ण को अपने साथ में रखिए टेक्नोलॉजी हमेशा आपका साथ देगी असली टेक्नोलॉजी आपके पास ये बैग है ये हरे कृष्ण महामंत्र का ये हॉटलाइन कनेक्टिविटी है ही नाम का उच्चारण करते हो गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी बैठे हैं उनसे एकदम से कनेक्शन हो जाता है फिर कहाँ ये व्हाट्सएप और कहा मेल ईमेल उससे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आपके हाथ में ही है जैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र का जब करोगे तत्काल ही आप गोलोक वृंदावन में हो पूरा आध्यात्मिक जगत आपके बीड बैंक में कनेक्शन करने के लिए केवल एक ही टेक्नोलॉजी है और वो ये है हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे वहां तक पहुंचने के लिए दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं काम करेगी केवल ये टेक्नोलॉजी काम करेगी इसलिए उस टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए उनके साथ एक बार आपका संपर्क हो गया उनके साथ आपका अगर कनेक्शन हो गया तो ऐसी टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी कि आप दुनिया में क्या हो रहा है एक एक व्यक्ति क्या कर रहा है आपको पता चलेगा श्री प्रभुपाल से ही पूछा कि प्रभुपाल आपके तो हजारों हजारों शिष्य हैं पृथ्वी में आपको कैसे पता कि कौन क्या कर रहा है कौन नियम पालन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है शिला प्रभुपा ने जानते क्या उत्तर दिया प्रभुपाल ने कहा कि मैं कृष्ण नहीं हूं मैं कृष्ण नहीं हूं कि सब कुछ जान जाऊं लेकिन प्रभुपाल ने एक और बात बोली इसके बाद प्रभुपाल ने कहा लेकिन मैं जाकर जानना चाहता हूं तो कृष्ण मुझे बता देते हैं अगर मैं जानना चाहता हूं कि कौन कितने पानी में है मुझे यही बैठे बैठे पता चल जाएगा कि कौन भक्त कहां पर क्या कर रहा है तो इसको कहते हैं स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी तो ये टेक्नोलॉजी अगर आपको मिल गई तो आपके लिए दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है सारे जितने भी असंभव कार्य हैं वो सारे के सारे असंभव हो जाएंगे और शिल प्रभुपा जी के पास ये टेक्नोलॉजी थी तो इसलिए शिल प्रभुपा जी के देखिए प्रभुपा जी की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हजारों हजारों भक्त जो कि एक सिक्का भी नहीं ले रहे हैं पूरी दुनिया भर में इतने सारे भक्त जो हैं श्रील प्रभुपा जी के लिए फ्री में कार्य कर रहे हैं इससे बड़ी टेक्नोलॉजी क्या होगी बताइए ऐसा कौन सा ओनर है ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है ऐसा कौन सा कंपनी का मालिक है जिसके पूरे दुनिया में फैक्ट्री है बिजनेस हाउसेस है और फ्री में काम करा रहा हो सैलरी ले रहे होंगे ना सबके साथ लेकिन इस कॉन के माध्यम से तो शिला प्रभुपा जी ने सैकड़ों हजारों लाखों ऐसे भक्तों को सेवा में लगाया हुआ है जो चवन्नी भी नहीं ले रहे हैं और प्रभुपा जी के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं हमारे सुंदर गोपाल प्रभु बैठे हैं यहाँ पे आईआईटी के गोल्ड मेडलिस्ट आराम से बैठे हैं सोफे में ठाकुर जी की सेवा में इनको भी लगा दिया ठाकुर जी की सेवा इससे बड़ी टेक्नोलॉजी हो सकती है कितने सारे इंजीनियर्स कितने सारे एम बी अकाउंटेंट्स, कितने सारे लॉयर्स बता रहे थे तैयारी कर रहे हैं बता रहे थे, थे परिचय दे रहे थे अभी प्रभु जी जब बैठे थे इनके साथ तो ये सब जो है कृष्ण की सेवा में लग रहे हैं पूछिए इनसे कितना पैसा दे रहे भैया ये आप इनको कितना पैसा दे रहे आपकी सेवा में लगे हैं ये चवन्नी भी नहीं दे रहे हैं बस ये है कि इस कार्यक्रम के बाद उनको बढ़िया से प्रसाद मिलेगा बस तो ठाकुर जी का प्रसाद मिलता है भक्तों का संग मिलता है भैया ये हमारा अनमोल धन है ये हरिनाम हमें मिला है ये हमारी असली टेक्नोलॉजी है हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी की कृपा है ये हमारा अनमोल धन है ये हमारी असलिए टेक्नोलॉजी है और इसी टेक्नोलॉजी को हमें साथ में लेके चलना है और इसका अगर हम लाभ उठाएंगे तो हम देखेंगे हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल होगा और हम देखेंगे अधिक से अधिक युवा पीढ़ी इस आंदोलन से जुड़ेंगे और जितने युवा पीढ़ी इस आंदोलन से जुड़ेंगे ये देश हमारा खुशहाल हो जाएगा मैं आपको गारंटी देता हूँ चैलेंज है ब्लैक एंड व्हाइट में ले लीजिए अगर इस देश के दस परसेंट नागरिक भी कृष्ण भक्त बन गए इस देश देश का कोई देश नहीं होगा समृद्ध देश कोई नहीं होगा इतना अपार धन समृद्धि होगी इस देश में कोई भी दुनिया का ताकत जो है इसके सामने नहीं आ पाएगा ये गारंटी है ब्लैक एंड व्हाइट में लिख लो आप ऐसे <प्राँगा> ही नहीं बोलते थे हमारे देश को कि हमारे देश को सोने की चिड़िया बोलते थे उस समय ये सोने की चिड़िया थी आज जाके देखिए दक्षिण भारत में पद्मनाभ टेम्पल में वह कितना खजाना है एक ही टेम्पल में इतना धन है कि ऐसा लगता है कि उस समय के लोग एक एक व्यक्ति अपने जेब में बिल गेट्स को लेकर घूमता था इतना ट्रेशर केवल एक मंदिर में है ऐसे कितने हम जेल में घूमते थे उस समय नहीं तो इसलिए ये कम अपने आप। आप सबसे आगे हैं, अमेरिका के टॉप ट्वेंटी जो सीईओ है वो सारे इंडियंस हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के यानी कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर वो भी तो इंडियन ही है बताइए इसी देश के है तो आज भी जो है भारतवर्ष भारतीय लोग जो हैं पूरे पृथ्वी में राज्य कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा आध्यात्मिक दन, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति हमारी वैदिक सभ्यता इसका प्रचार प्रसार पूरे पृथ्वी में किया है आप देखिए हमारा वर्ल्ड का सुपर पावर होगा और पूरे विश्व में पूरे पृथ्वी में साम्राज्य होगा जिस तरह से आज से पांच हजार साल पहले हुआ था तो टेंशन की कोई बात नहीं आप सही रास्ते पे हो लगे रहो भक्ति में लगे रहो पीछे मुड़ के मत देखना आगे चलो केवल कृष्ण की ओर अगर आपके साथ कृष्ण है तो कौरव सेना क्या करेगी पांडवों की विजय होगी जिनके साथ साक्षात श्री कृष्ण बैठे हो सारथी के रूप में दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं हरा सकती हमें एक एक बाण जो अर्जुन छोड़ेंगे अब कौरवों के ऊपर वो किसके द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा इसलिए निश्चित रूप से विजय किसकी होगी पांडवों की ही होगी तो टेंशन कोई नहीं है तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें हम लोग तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन हो और हमें इस बात की बड़ी खुशी होगी कि एडवांसमेंट हो इस देश में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो ताकि हमें और मौका मिले और तेजी से कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने करने का हमें और अधिक से अधिक मौका मिले हरे कृष्ण शिला प्रभुपाद की जय